वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ टाइम एंड वर्क बच्चों। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरलैपिंग कंसेप्ट इन वर्क लाइन एंड लेट्स सी कि वर्क लाइन के अंदर ओवरलैपिंग कंसेप्ट होता क्या है, कैसे वो क्रिएट होता है। लेट्स से इट इज़ ए वर्क लाइन, ये आप लोग वर्क लाइन वाली फुल वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वर्क लाइन कैसे बनती है, कैसे हम डील करते हैं। अगर इस वर्क लाइन में बच्चों कोई भी नंबर ऑफ कैंडिडेट एंटर करते हैं इन बिटवीन द वर्क और एग्जिट करते हैं इन बिटवीन द वर्क, तो वहाँ पे क्या है, एक ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। अगर आप लोग अलग अलग की वैल्यूज निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल वर्क था, जो टोटल वर्क करना था हमने, वो उससे भी ज़्यादा हम आगे निकल चुके होते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट को डिटेल में देखना पड़ता है। लेट्स से क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। देयर इज़ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन कहता है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16, 32, 48 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 4 डेज। 4 दिन के बाद वो काम करके चला जाता है। लेट्स से कि यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी एंड सी मेरे पास गिवन है, दे आर 16, 32, 48, एलसीएम आपका बन जाएगा 96, राइट, दिस इज 96, दिस इज टोटल वर्क कह लो आप लोग। अब यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2, देयर एफिशिएंसीज। लेट्स से ये एक वर्क लाइन है बच्चों। अब यहाँ पे ये वर्क लाइन का कंसेप्ट क्रिएट कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे है सी दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी इज लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज। अब यहाँ पे माइंड में ये आता है कि उन्होंने 4 दिन तो काम किया होगा, राइट, 4 दिन काम किया होगा, तो ए बी सी बच्चा हर एक ये सोचता है कि ए बी सी ने 4 दिन तक काम किया, 4 डेज, और उनके 4 दिन का काम बनेगा 6 और 5 11 और 4 44 वर्क यहाँ पे हो गया होगा। फिर कहते हैं कि सी लिव्स, सी छोड़ के काम चला जाता है। फिर बी 2 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, बी यहाँ पे काम छोड़ के चला जाता है जस्ट खत्म होने से पहले, तो यहाँ पे ए ने काम किया होगा 2 डेज तक, 2 डेज तक इन्हें काम किया तो उसने 12 वर्क किए होंगे, राइट। ठीक है जी, कंसेप्ट जो है कुछ इस वे से आपका जो है यहाँ पे चल रहा होता है। तो लास्ट के डेज में बी जो है चला जाता है, ए ने काम किया 2 डेज और इस हिसाब से जो है आपका काम यहाँ पे हो गया होगा। अब बचा हुआ काम बी प्लस सी ने खत्म किया होगा, राइट। ठीक है जी, अब जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम बी प्लस सी ने यहाँ पे खत्म किया है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो 44 वर्क हो चुका है, 12 वर्क जो है हो चुका है, टोटल काम कितना हो चुका है, 44 एंड 12 हम ऐड कर लेते हैं, इट वुड बी 6415, 56 वर्क हो चुका है आउट ऑफ 96। तो माइनस करते हैं बच्चों, तो ये हो गया है आपका 56, अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ ये 0 और 4, तो काम कितना बचा है, 40 वर्क। ठीक है जी, और ये 40 वर्क अब करना किसने है, यहाँ पे करना है आपका बी एंड सी ने विद ए स्पीड और विद एफिशिएंसी ऑफ 3+2 5। तो 40+5 करोगे तो ये 8 डेज में ये काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, 4 डेज आपके यहाँ पे लगते हैं, 8 डेज आपके यहाँ पे लगते हैं, 2 डेज आपके यहाँ पे लगते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे क्या होगा, 14 डेज लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन बनता है ना। ठीक है जी, तो इस वजह से ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे आपका क्रिएट होता है। अब इसी कंसेप्ट को दूसरे वे से भी किया जा सकता है, इसी कंसेप्ट को दूसरे वे से भी किया जा सकता है जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ए काम करता है 10 डेज में, बी काम करता है 12 डेज में, सी काम करता है 15 डेज में, राइट। ठीक है जी, अब यहाँ पे है आपका वही एलसीएम 60 बना, ठीक है, ये बना होगा 6, ये बना होगा आपका 5, ये बना होगा 4, भाई ये हो गई है वर्क लाइन ऑफ 60। ठीक है जी, 60 टोटल वर्क आपके हो चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट ऊपर नीचे होगा, वो चीज़ देखना कि पहले काम कौन करता है, कि लेट्स से सी टुगेदर वर्किंग करते हैं, सी लीव्स आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद जो है सी चला जाता है, दैट मीन्स कि ए प्लस बी, हम जो सोचते हैं सी ने 3 दिन तक जो है काम किया होगा, 3 डेज, ठीक है, अभी 3 डेज वर्क निकाल लेते हैं। अगर 3 डेज में वर्क यहाँ पे निकालता हूँ तो 15 15 3 जो हो गए हैं मेरे 45 वर्क यहाँ पे हो चुके हैं।
ठीक है जी, तीनों का वर्क जो है मेरे पास 15 है पर डे, 3 डेज में 45 वर्क। नेक्स्ट कहता है बी 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी जो है यहाँ पे चला जाता है, दैट मीन्स ए ने 4 दिन तक काम किया होगा, और ए ने 4 दिन, एक दिन में 6 काम करता, तो यहाँ पे काम कितने हो चुके हैं, 24, 24 वर्क हो चुके हैं, यानी बचा हुआ बीच वाला जो ये कंसेप्ट बचा, ये बी प्लस सी ने किया होगा। ठीक है जी, अगर ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देखता हूँ, तो काम देखते हैं पहले कितना हो चुका है, 45 प्लस 249, देखो 69 वर्क हो चुका है अभी तक, तो बच्चों करना कितना था 60, ठीक है 60 वर्क आपने करना था, बट काम कितना हो चुका है आपका 69 हो चुका है, अगर आप पहले वाले कंसेप्ट से सेम क्वेश्चन निकालते हो तो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे वर्क ओवरलैपिंग हुआ है जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट बन ही नहीं पा रहा यहाँ पे, इसका मतलब तो ये वाले ने तो काम किया ही नहीं है, ये जस्ट ओवरलैप यहाँ पे हुए। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, यहाँ पे आपका आंसर नहीं निकल सकता अगर नॉर्मल वे से आप लोग निकालते हो तो। लेट्स सी अब इस टाइप के क्वेश्चन को फिर सोल्व कैसे करें, तो वो चीज़ देखते हैं। हमें गिवन था ए बी सी, ये था 10, ये 12, ये 15, टोटल था मेरे पास 60, और बच्चों ये आया था मेरे पास 6, ये आया था भाई सॉरी 5, ये आया था 4। टोटल जो एफिशिएंसी बनती है वो 60 वर्क की मेरे पास बनती है टोटल। अब यहाँ पे क्या होता है, सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज, हमें काम करते हैं सी का 3 दिन का काम निकालते हैं, सीज 3 डे वर्क इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू 12। तो सी क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ कहीं बीच में, यहाँ तक, इस बीच में कहीं भी पे भी 3 काम करता है और चला जाता है 3 दिन तक, दैट इज 12 वर्क। 12 वर्क होने के बाद यहाँ पे बच क्या जाता है, 48, -12 कर लिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या होता है भाई, बी 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन, अब बी यहाँ पे छोड़ के जाता है 4 दिन पहले, यानी ए ने जो है यहाँ पे 4 डेज तक काम किया होगा, दैट मीन्स 24 वर्क कर दिया होगा। ठीक है जी, अब 12 तो जा ही चुके थे, 24 और भी गए, तो 48 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 24 वर्क बच जाता है, और सी अपने 12 काम करके पहले ही जा चुका है, तो ये जो 24 काम किए होंगे ये किसने किए होंगे, ए प्लस बी ने, ए प्लस बी ने ये काम किए होंगे। ठीक है जी, तो डेज निकाल लेते हैं, डेज क्या होगा, 24 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज 2 2 बाई 11 डेज। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 2 बाई 11, यहाँ से 4 डेज टोटल आपके पास हो जाएंगे, 4 प्लस 2 2 बाई 11, दिस इज प्लस टोटल हो गया 6 2 बाई 11 डेज, तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है और आपने आंसर जो है फाइंड कर लिया, तो इस वजह से आप लोग ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे आंसर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव गिवन 12, 18, 24, ये है ए बी एंड सी, 3 चीज़ें गिवन है, एलसीएम 72 बना, ये 6, ये 4 और ये 3 बनेगा। ठीक है जी, अगेन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो टोटल है 72 वर्क्स मेरे पास। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे अगर आगे मूव करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वही बी 4 डेज 2 डेज बिफोर, ठीक है चलो बी यहाँ पे काम छोड़ के चला जाता है, ए स्टॉप वर्किंग आफ्टर 4 डेज, 4 दिन काम करके ए छोड़ देता है, 4 दिन मतलब उसने काम कितने कर दिए होंगे, 24, ए इज 4 डेज वर्क इक्वल टू क्या होगा, 24, 24 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 48 वर्क बच गया होगा। ठीक है, लास्ट में अब यहाँ पे एक तो ए जा चुका है, बी यहाँ पे सी ने काम किया होगा लास्ट के 2 डेज, सी ने मतलब 6 काम, 48 में से 6 और भी हो गए हैं तो बचा होगा 42 वर्क, अब ये किसने किया होगा, बी प्लस सी ने, क्योंकि ये तो अपने 24 काम करके पहले ही जा चुका है, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब 7, तो 42 डिवाइड बाई 7, तो 6 डेज में ये काम और भी हो गया होगा आपका, राइट यहाँ से 6 डेज आपको और भी लगे होंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितने डेज में हुआ होगा, 6 और 2, टोटल आपका 8 डेज में यहाँ पे काम हो गया होगा। ठीक है जी, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये 24 वर्क था आपका, इस वजह से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 डेज, वो 4 दिन के बाद उसने काम बंद किया है, इसका मतलब ये नहीं है,
कि सभी ने 4 दिन के तक काम किया फर्स्ट, तब उससे आगे हो सकता है बी उससे पहले चला गया हो सकता है उसके बाद में गया हो। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फोर्थ वन। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 12, एलसीएम मेरे पास बनता है 36, ये 6, ये 4, ये 3। लेट्स से ये बनी वर्क लाइन 36। अब होता क्या है यहाँ पे, बी कॉल्ड ऑफ 2 डेज, बी जो है 2 दिन पहले कॉल्ड ऑफ कर देता है, ए स्टॉप 1 दिन के बाद ए जाना बंद कर देता है, तो यहाँ पे ए के दिन माइनस कर देते हैं 6, क्योंकि 1 दिन में उसने 6 काम किया होगा, दैट इज 30। बी इज कॉल्ड ऑफ 2 डेज बिफोर, तो सी ने लास्ट के 2 दिन ही काम किया होगा, दैट इज टोटल वर्क 6 किया होगा, यहाँ पे बच कितने गए होंगे 24, यहाँ पे 24 वर्क बच गए होंगे, और ये किसने किए होंगे, बी प्लस सी ने, बी प्लस सी मतलब टोटल 7, तो डेज होगा 24 डिवाइड बाई 7, दैट इज 3, 3 बाय 7, तो डेज विल बी इक्वल टू हो जाएंगे 3, 3 बाय 7 प्लस 2, दैट इज 5, 3 बाय 7 डेज। ठीक है, इस वे से आप अलोग ओवरलैपिंग कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट वे ये रहता है कि जो बंदा कंप्लीट काम करके गया है, 1 दिन काम किया, 2 दिन, 5 दिन उसने काम किया, जिसका भी आपको पता है, सबसे पहले उसका निकाल के आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और बाकियों को सोल्व कर लेना है। ठीक है जी, होपफुली आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।